Morning, my dear students. Today, day 21, part 2, and our topic is lines and areas. Okay, today we discuss transversal. Transversal line. Yes? When in any plane, किसी भी plane में, if we have two lines are there. If we have in any plane and there are two lines are given, two or more lines like this way, here two or more lines are given and one another line intersect at unique point, और कोई तीसरी लाइन जो होगी, जैसे मान लीजिए लाइन L है, यह M है और यह लाइन N है, ठीक है, और एक कोई तीसरी लाइन जो है यहां लाइन P, इन सभी लाइंस को, लाइन L को, M को और N को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट, किसी यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, आ रहे समझ में? तो इस केस में यह जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसी लाइन को क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्सल बोला जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा, ठीक है। और जब कोई भी लाइन किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वहां दो पॉइंट पे एंगल फॉर्म होंगे और वहां पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा, अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो यह तो हो गया कि यदि कोई लाइन दिया गया है और कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा। तो अब आपको डिफाइन करना व्हाट इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन एट यूनिक पॉइंट्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो उसको क्या बोला जाएगा? उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा जब वह लाइन दो या दो से अधिक लाइन को किसी यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसी को क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे देखिए, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और यह लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। लाइन मतलब यह क्या है, दोनों तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस पहली लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यह पहली लाइन को सिर्फ इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, दूसरी लाइन को इस एक अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब जब कभी भी इस टाइप का कंडीशन होता है तो वहां तीन तरह के एंगल फॉर्म होते हैं, देखिए कौन कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल और तीसरा क्या होगा, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। अब देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल होने का एक दूसरा कंडीशन है। आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, मतलब ये इसको आगे प्रोड्यूस करेगा तो इंटरसेक्ट करेगा। हम आपको सिर्फ यहाँ बताएं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन एट अ यूनिक पॉइंट देन द लाइन विच आर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल एंड व्हेन वी हैव अ ट्रांसवर्सल लाइन देन देयर आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म, अल्टरनेट एंगल फॉर्म,
एंड एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल फाउंड। ओके, आरएसवन में हम ये बताया है कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। ट्रांसवर्सल लाइन, यदि कोई एक लाइन जो किसी प्लेन में दिए गए दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसी को ट्रांसवर्सल बोला जाएगा। तो यह लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, आ रहे समझ में? अब जब ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो वहां करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड होता है और एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फॉर्म्ड होगा, तो आप बोलोगे कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल देन करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म। अल्टरनेट एंगल कैसे फॉर्म्ड होगा? तो जब दो लाइन, दो या दो से अधिक लाइन किसी एक तीसरी लाइन से इंटरसेक्ट होगा, मतलब ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल होने के लिए क्या होना जरूरी है कि दो, कम से कम दो लाइन होनी चाहिए और वो दोनों लाइन एक किसी तीसरी लाइन से इंटरसेक्ट होना चाहिए। आ रहा समझ में? अल्टरनेट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम दो लाइन होना चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट वी हैव टू लाइन एंड वन अनदर लाइन विच इंटरसेक्ट, देन वी फाइंड अल्टरनेट एंगल ऑल्सो इन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। क्लियर? देन सी वन बाय वन वी कैन डिस्कस। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, देखिए एक बार फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान से देखिए। यह दो लाइन है, ठीक है, यह कोई जरूरत नहीं कि यह दोनों लाइन पैरेलल है ना, इसको हम थोड़ा ऐसे बनाएंगे। ठीक, और ये एक तीसरी लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो अब ट्रांसवर्सल के वन साइड में एक तरफ जो भी एंगल बनेगा, जैसे देखिए यहां यह एंगल करस्पॉन्डिंग हुआ, इसको वन और टू, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक तरफ एंगल बन रहा है ना। और ऐसे ही यह दोनों एंगल, यह थ्री और फोर, यह ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, अब यह हम नहीं कह रहे कि यह दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, यह हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ऐसे ही यह फाइव और यह सिक्स, यह सेवन और एट, यह जो आपको सेट दिख रहा है यह सब करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल होगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि इस यह जो ट्रांसवर्सल है और इस लाइन पे जो पहली लाइन है वहां का एंगल और इसी ट्रांसवर्सल के यहाँ वाले एंगल दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ट्रांसवर्सल के एक साइड में एंगल है इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो देखिये कौन कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल वन एंड एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स, एंगल सेवन एंड एंगल एट। दिस पेयर आर द करस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज दे आर फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ गिवन लाइन। क्योंकि यह ट्रांसवर्सल के सेम साइड में सेम पैटर्न पे उस दिए हुए लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यह ट्रांसवर करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब करस्पॉन्डिंग एंगल है तो यह जरूरी नहीं कि यह एंगल आपस में इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है एक स्पेशल केस में, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल आया होगा सबको समझ में। अब फिर देखिए यहां अल्टरनेट
अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट का एंगल क्या हो गया कि ट्रांसवर्सल के साइड बाय साइड, जैसे मान लीजिए यह है तो यह एक ट्रांसवर्सल है ना, इस ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल ठीक है और यह एंगल आपस में क्या है अल्टरनेट एंगल, एंगल वन एंगल टू ठीक है। एंगल थ्री एंगल फोर ये अल्टरनेट एंगल है एंगल फाइव एंगल सिक्स एंगल सेवन एंगल एट। देखिए क्यों इसको अल्टरनेट बोला गया है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है तो इस तरफ वाला एंगल इसके इस तरफ वाले एंगल के बराबर मतलब यह अल्टरनेट है, ट्रांसवर्सल के एक एक साइड है और यह दूसरी साइड है अनदर साइड है इसीलिए इसको अल्टरनेट एंगल बोला जाएगा। देखिए कौन कौन सा पेयर अल्टरनेट एंगल का होगा, हम इसको आप फिगर बना के लिखिएगा, यह जो फिगर है अल्टरनेट एंगल के लिए ठीक है। देखिए आप इसको चाहे तो यहां ए बी सी डी ई एफ जी एच भी लिख सकते हैं। देखिए एंगल ए एंड एंगल बी ठीक है, एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ, एंगल जी एंड एंगल एच, दिस पेयर्स आर द अल्टरनेट एंगल। यह जो पेयर है यह अल्टरनेट एंगल है। अब इस अल्टरनेट एंगल में एक्सटीरियर एंगल भी है और इंटीरियर एंगल भी है ठीक है। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि यह आपस में इक्वल हो, इक्वल होने का एक स्पेशल केस है जो आपको आगे डिस्कस किया जाएगा ठीक। अभी हम फिलहाल आपको अल्टरनेट एंगल से अवेयर करा रहे हैं। अब इसके बाद से एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल, देखिए एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल, देखिए व्हेन टू लाइन आर देयर एंड वन लाइन विच इंटरसेक्ट, मींस आपके पास यह दो लाइन है और यह एक किसी तीसरी लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है तो इन दोनों लाइन के बाहर वाला जो एंगल है यह एंगल वन टू थ्री फोर, यह जो एंगल है एंगल एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर द एक्सटीरियर एंगल क्योंकि इन दोनों जो लाइन दिया गया है उसके बाहर बाहर यह एंगल बना है और इंटीरियर एंगल कौन हो जाएगा इन दोनों लाइन के अंदर वाले जो एंगल हैं, यह इसको हम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ये कौन सा एंगल है वन टू थ्री फोर जो बाहर बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल है और जो अंदर बन रहा है एंगल ए बी सी एंड एंगल डी आर द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ठीक है। यह इन दोनों लाइन के जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उसके अंदर यह एंगल बन रहा है ठीक है और वन टू थ्री फोर जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उसके बाहर बन रहा है तो जब जो एंगल बाहर बना हुआ एक्सटीरियर एंगल हो गया, जो अंदर बना हुआ इंटीरियर एंगल हो गया। अब यहाँ जो आपको फिगर में बताया गया है यह आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल होने का एक कंडीशन है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अरे समझ में आप सभी लोग इसको ठीक ढंग से रिवाइज करिएगा, जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा आपको जरूर बताया जाएगा।
वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, आप दो से तीन बार इसको देखिएगा, कम से कम दो बार देखिएगा तो जरूर आ जाएगा समझ में। आ रहा समझ में? ओके, थैंक यू।